सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक नॉन डीसी इन्वर्टर का पीसीबी है, ठीक है, जो कि डॉलन्स का है, ठीक है। तो आज रिपेयरिंग के लिए आया है हमारे पास, ठीक है। तो आज हम इसको देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो इस पर E4 एरर कोड शो हो रहा है, ठीक है। तो आज हम मुकम्मल तफसील के साथ आपको ये बताएंगे कि ये E4 जो एरर कोड है वो किस वजह से आता है और इसकी क्या वजह होती है, ठीक है। तो आए हम आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं। तो जब भी आपका जो, और इसमें इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं, ठीक है, कि जो डीसी इन्वर्टर और नॉन डीसी इन्वर्टर हैं उनमें फ़र्क है, ठीक है। तो ये जो एरर कोड होगा वो सिर्फ जो है नॉन डीसी इन्वर्टर के लिए, ठीक है। इन्वर्टर्स के लिए ऑलरेडी हमने एरर कोड जो है वो अपलोड किए हुए हैं, तो वो वीडियोज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर जाके क्लिक करके वो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सादा एसी के लिए होगा, ठीक है। तो आम जुबान में हम इसको सादा एसी कहेंगे, ठीक है। तो कन्वेंशनल एसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब E4 एरर कोड आ जाए डिस्प्ले पे, तो उसका क्या वजह हो सकती है और ये क्यों आता है, ठीक है। तो आए हम आपको तफसील से बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी इसका आपके यूनिट का जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो किसी भी वजह से फॉल्टी हो जाए, किसी भी वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो वो जो है यूनिट आपको E4 एरर कोड शो करेगा। इसके अलावा आपको मैं और भी तफसील दे देता हूँ। तो दोस्तों, हमने ये पीसीबी से इलेक्ट्रिक को निकाल दिया है, ठीक है। देखें, यूनिट इस वक्त बंद हो गया, सॉरी, पीसीबी जो है इस वक्त बंद हो गया, ठीक है, और डिस्प्ले पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अब हम आपको बताएँगे कि ये इसकी और क्या वजूहत हो सकती हैं। तो दोस्तों देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये मैं इसकी कुछ कंपोनेंट्स में निकाल देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा नज़दीक करके आपको दिखा सकूँ, ठीक है जी। ये देखें, जब ये आपका रूम टेम्परेचर जो है सेंसर है, ठीक है, देखें, ये है, ये कुछ इस जगह पे इंस्टॉल होता है, देखें, जैसे एक आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, ये जो ये वायर है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है CN14, ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है T1, ठीक है। T1 का मतलब है टेम्परेचर सेंसर 1, और जो है इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है CN14, ठीक है। तो ये अगर आपके पास PCB यही सेम मॉडल का अगर यूनिट है, तो ये PCB आप आसानी से इस PCB खोल के ये देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो रूम सेंसर, ये जो वायर है, ये रूम टेम्परेचर सेंसर की वायर है, ठीक है। अगर ये किसी वजह से टूट जाती है, ठीक है, या कट जाती है किसी भी वजह से, ठीक है, तो या काम करते हुए या आपने सर्विस की है तो उस वजह से ये अपनी जगह से हिल गई है या कट गई है, तो फिर भी आपको E4 एरर कोड शो हो सकता है। इसके अलावा ये देखें, ये अभी अपने कनेक्टर में ही नहीं बैठी, ठीक है, तो ये फिर भी आपको E4 एरर शो करेगा। इसके अलावा एक और ऐसा हो जाता है अक्सर कि चूँकि यूनिट जो है एक वाइब्रेशन करता है हल्की सी, ठीक है, तो अक्सर जो इसके अंदर जो कनेक्टर हैं वो, और या फिर मौसमी तब्दीली के साथ साथ जब यूनिट गर्म ठंडा होता रहता है, तो अंदर हल्का सा वो कार्बन सा आ जाता है, ठीक है। तो बाज़ का क्या होता है कि ये जो आपस में कार्बन आने की वजह से जो है वो वायर्स जो है आपस में ठीक तरह से टच नहीं हो रही होती हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी बाज़ का ये हो जाता है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने ये इसको कनेक्टर को निकाल लेना है, ठीक है, एक दो दफ़ा निकाल के तो आप दोबारा इसको इसके अंदर प्रेस कर देंगे, तो अक्सर ये बहुत ज़्यादा चांस ऐसा होता है कि जो ये यूनिट है फिर को ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वो सिर्फ वजह क्या होती है कि उसके अंदर जो है काई सी आ जाती है या उसमें कार्बन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसका मसला हल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, तो इस पर भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि आपने हर यूनिट के लिए कौन सी रेजिस्टेंस वैल्यू का सेंसर लेना है, ठीक है। लेकिन वो आपको इंशाल्लाह कुछ अर्से में वो हम अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने ये सेंसर फॉल्टी हो गया, ओपन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, तो फिर ही, और उसमें भी टेम्परेचर जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर के मुताबिक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तो तभी आप जाके इसका एग्जैक्ट जो सेंसर है वो इसमें इंस्टॉल कर सकेंगे, ठीक है। अगर
आपको वैल्यू पता नहीं है तो फिर आपको दो तीन चार मॉडल्स के इसमें ट्राई करने पड़ेंगे, तो फिर जाके ये ठीक होगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने ये सेंसर चेंज कर दिया है और सेम वैल्यू और सेम रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी लगाया है, तो मगर फिर भी ये जो है यूनिट आपका जो है वो वर्किंग कंडीशन में वापस नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पीसीबी है वो किसी भी वजह से फॉल्टी है, ठीक है। तो उसमें अक्सर यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, या फिर उसके दरमियान जो माइक्रो कंट्रोलर और उसके दरमियान जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वायर टूट गई, कुछ भी, तो फिर इसका मतलब है कि आपका पीसीबी फॉल्टी है, तो आपको पीसीबी को चेक करवाना होगा और इसको रिपेयर करवा लें, तो ये आपका फॉल्ट जो है E4 वो डिस्प्ले से गायब हो जाएगा और आपका यूनिट दोबारा से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो अब अगला जो एरर कोड है वो है E5, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये एरर कोड भी जो है वो जो है नॉन कन्वेंशनल, सॉरी नॉन डीसी इन्वर्टर के लिए है, ठीक है, यानी कि कन्वेंशनल जो स्प्लिट एयर कंडीशनर है उनके लिए है, ठीक है जी। तो जब भी E5 एरर कोड डिस्प्ले पे आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है और ये क्यों आता है, ठीक है, तो मुकम्मल तफसील के साथ आज हमें बताएंगे आपको, ठीक है, और बताएंगे कि ये इसकी क्या वजूहात हैं और इसका हल क्या है, ठीक है। तो जब भी E5 एरर कोड डिस्प्ले पे आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पाइप कॉइल सेंसर है वो फॉल्टी हो चुका है, या फिर शॉर्ट सर्किट है, या फिर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके पाइप कॉइल सेंसर को चेक कर लेंगे, ठीक है, पाइप कॉइल सेंसर चेक कर लें और उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, ताकि क्योंकि जो यूनिट पे E5 आ रहा है इसका मतलब है कि वो शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, या फिर ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप जब उसको मीटर पर चेक करेंगे तो वो आपको सही वैल्यू कभी भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू पहले से मालूम होनी चाहिए, ताकि आप उसको जब चेंज करें तो ये E5 एरर जो है वो फौरन जो है डिस्प्ले से गायब हो सके, ठीक है, और यूनिट दोबारा से वर्किंग कंडीशन में वापस आ सके, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यूनिट में इसका क्या रोल होता है और कहाँ पर लगा होता है और ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों, अब हमने देखें इलेक्ट्रिक ऑफ कर दी है ताकि हम आपको दिखा सकें। देखें, ये है जी इसका एक, मैं आपके दूसरे जो है निकाल लूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे ये कनेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो कनेक्टर है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है CN15 और T2, ठीक है। तो ये जो है ये इसका पाइप कॉइल सेंसर का जो है वो सेंसर है, ठीक है। तो ये देखें, ये कुछ ऐसे दिखता है, देखें ये कुछ ऐसे होता है। और इसके अलावा अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू का ये चेंज कर दिया है और इसके बावजूद भी ये एरर डिस्प्ले से नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पीसीबी भी फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप पीसीबी को चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं, अगर आपने चेक कर लिया 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान एक रेजिस्टेंस या दो रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ठीक है, उनको चेक कर लेंगे, उनमें से कोई एक शॉर्ट सर्किट होगी, ठीक है, तो उसको चेंज कर लें तो ये आपका एरर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली तो कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपको कितनी हेल्पफुल रही ये वीडियो, ठीक है। और इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी तमाम जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहेंगे, ठीक है, और उनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तो देखते रहें फॉरएवर टेक।